दोस्तों अगर इस तरीके की लॉस रिकवरी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको 2 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का कितना भी लॉस हुआ है, अगर आप 1 महीने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये अपडेट आपको बिल्कुल भी पसंद आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये अपडेट आई है 3 मिनट पहले और इसमें देखिएगा एक बड़ा बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि यहाँ पे इंडिया को देखते हुए जिस तरीके से इंडिया में 4% का इन्फ्लेशन हो गया है, उस कारण से एक एक्सपेक्टेशन डिसाइड होने लगी है। और ये एक्सपेक्टेशन देखिएगा, पास्ट में भी फेड ने कभी एक ऐसा काम किया था कि उसने जल्दी देखिएगा रेट कंट्रोल करने के बाद, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बाद ढिलाई दे दी थी और उसके बाद जंप हो गया था इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक और रेट इंक्रीज करना चाहिए और 3% तक ले जाना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो ये कल इसके बेसिस पे मार्केट में देखिएगा पेन आ सकता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपडेट है इसमें आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आएगा कि जरन पावल साहब परसों से बोलना शुरू करेंगे, लगातार 3 दिन बोलेंगे। और कल इस पर्टिकुलर अपडेट के बेसिस पे अमेरिका के, इंडिया के मार्केट नर्वस हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी तरीके से फेड क्या कह रहा है, फेड के एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपर्ट का देखिएगा पोल क्या आया है कि उनको एक और रेट हाइक करना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि US फेड को एक और रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट टारगेट रखना चाहिए 3% टू हेल्प द कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड प्रोवाइड कुशनिंग अगेंस्ट सीवियर रिसेशन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे दो तरफा देखिएगा वार होगा। और आपको पता है अभी भी इन्फ्लेशन 3.2% है, जो कि फेड के दायरे से बाहर है। 2% का टारगेट है, कुछ भी नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर रेट है, एक बाकी भी है। और इसमें देखिएगा ट्विस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि जैक्सन होल की देखिएगा स्पीच शुरू हो जाएगी 1 दिन में, 24 घंटे बाद। तो अगर आप देखेंगे पावेल की स्पीच शुरू होते ही यहाँ पे गेम शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ये जब भी जब आए हैं, जब जब ये बोलना शुरू करेंगे, जब जब ये आए हैं, तो इनको देखते हुए मार्केट बहुत नर्वस हो जाता है। मार्केट क्या कहता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है जो हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पूरी अपडेट में आपको बता देता हूँ कि फेड की जो देखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से कन्वेन्यू इट्स एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम अगस्त 24-26 यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट आएंगे, बहुत वार्तालाप होगी, बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत आगे के जो मतलब आगे के प्लान्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अमेरिका की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दिस ईयर थीम विल एक्सप्लोर सेवरल सिग्निफिकेंट पोटेंशियली लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट अफेक्टिंग द ग्लोबल इकॉनमी। तो यहाँ से जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी ग्लोबल इकॉनमी पर आता है। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि फेड जब भी बोलेगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो उससे अदर सेंट्रल बैंक वो नहीं होंगे, लेकिन फेड मैक्सिमम टाइम बोलता क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि फेड जब भी बोलेगा तो उनका कहना होता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, टू हॉट टू हैंडल। अगर आप देखेंगे टू हॉट टू हैंडल टाइप का इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। और इस समय इंडिया का जिस तरीके से रिवर्स गियर आया है उसको भी फेड देखिएगा दिमाग में रख रहा होगा, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड इकॉनमी है, इंडिया देखिएगा सबकी निगाह इंडिया पे है। तो ऐसे में जहाँ पे आरबीआई ने थोड़ा सा लीनियंट हुए आरबीआई, तो एकदम से जंप हो गया इन्फ्लेशन। तो ये अदर सेंट्रल बैंक के दिमागों में भी होगा कि ऐसा ना हो कि पता चला हम भी थोड़ा सा रुकें और क्या हो जाए, अचानक से इन्फ्लेशन जंप हो जाए। तो फेड के दिमाग में ये ज़रूर होगा और फेड इसका देखिएगा डिस्क्लोज़र करेगा आपको पता आने वाले 3 दिनों में, जिसका इम्पैक्ट बाज़ार में कल परसों और देखिएगा फ्राइडे को देखने को मिलेगा। तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट के साथ आपको इंडिकेटर भी ले आया हूँ कि डॉलर ने देखिएगा रिबाउंड करना शुरू कर दिया है। और डॉलर अगर 104 की तरफ बढ़ता है, अब जिस तरीके से इसने रिबाउंड करा है, डॉलर अगर 104 की तरफ बढ़ता है तो ये हमारी इकॉनमी को पेन देगा, हमारी करेंसी को पेन देगा, हमारे स्टॉक मार्केट को तो पेन देगा ही देगा।
तो अभी डॉलर शांत नहीं है और आपको पता है कि फेड आ रहे हैं 3 दिन के लिए, तो इसलिए मार्केट का मूड और माहौल अच्छा समझ के नहीं, कॉशियस समझ के रहिए और मार्केट कभी भी गिर सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।